तो मैंने एक बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको धो के साफ़ करके मैंने उसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बना ली हैं, मीन्स के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और अब करने लगी हूँ जी सीजनिंग। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने पेपरिका डाल दिया है, 2 टीस्पून मैंने भर के इसमें डाल दिए हैं जी गार्लिक पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर देना है जी ओरेगनो, और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और ये सारी चीज़ें कर देनी है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इस चिकन को कर देंगे एक साइड पे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? आई होप आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खुश हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल को अच्छे से फैला देना है। और ये चिकन जो मैंने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखी थी, तो बस ये हम डाल देंगे इसमें पैन में और अच्छे से इसको पका लेंगे। अभी ये मैं टिन खोलने लगी हूँ स्वीट कॉर्नस का, और ये तकरीबन मैंने आधा टिन जो है ये डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ही पकाएंगे क्योंकि ये पहले से ही पके हुए होते हैं। और अब मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 कप भर के मैंने डाल देना है ये कुकिंग क्रीम, और इसको इतना पकाना है ताकि ये जो है ताकि ये अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए और ये पूरा जो है ना थिक हो जाए। तो बस अब मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया पत्ता, और इसमें धनिया पत्ता जो है ये ऑप्शनल है, आप इसमें पार्सले भी डाल सकते हैं। पार्सले मुझे इतने ख़ास कुछ पसंद नहीं है, तो धनिया मुझे पसंद है, तो मैंने धनिया डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, स्लाइसेस को हमें बिल्कुल प्रेस करके चपटा कर देना है, तो मैं इस तरीके से करूँगी क्योंकि इस तरीके से करने से बहुत इजी हो जाता है, टाइम भी बचता है। आप बेलन से भी कर सकते हैं, बेलन से ये होता है कि दो दो या एक एक स्लाइस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरीके से आप बहुत सारे स्लाइसेस को प्रेस करके और चपटा कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसी तरीके से इनको चपटा कर लिया था, और साइड्स जो थे इनके मैंने काट के उनको मैंने चॉपर में बिल्कुल चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, और ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने जो है एक आटे की स्लरी भी बना ली थी, और यहाँ पे अभी मैं उन स्लाइसेस पे ये वाला जो है चिकन, और इस चिकन के ऊपर मैंने लास्ट में मैंने चीज़ भी डाला था, तो चीज़ भी डाल के उसको मिक्स कर लेना है, और फिर इस तरीके से हमें सैंडविच बना लेना है। देखिए सैंडविच में मैंने स्लाइस पे मैंने पहले ये पूरा स्टफिंग की है, और साइड में मैंने ये स्लरी लगा दी है आटे की, और इस तरीके से हमें इसको बंद करके रख देना है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा रेडी हो जाएगा। और तो अब मैं लेने लगी हूँ 2 अंडे, और इनको अच्छे से फेंट लेना है, नमक और काली मिर्च डाल देनी है, और फिर इसी तरीके से सारे सैंडविचेस लेके एक एक करके अंडे में डिप करेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे, और इसी तरीके से सारे हम लोग सैंडविच बना लेंगे। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए कभी भी, और अक्सर जो है हमारे जो सैंडविचेस वगैरह बनाते हुए ये साइड्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तो इन साइड्स को भी जो है हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। इनको हमें जो है ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, इनसे काफ़ी सी चीज़ें और भी बना सकते हैं, हम लोग मीठा भी बना सकते हैं। तो हमेशा जो कोई भी चीज़ हो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बस मैं हालांकि मेरे पास तो ब्रेड क्रम्स पड़े भी थे, तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो बस मैंने इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और बस, और ये देखिए इफ्तारी का टाइम हो रहा है, और मैंने इनको फ्राई कर लिया था बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के, मैंने इन सारे जो है सैंडविचेस को फ्राई कर लिया था, और देखें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, आपको क्रिस्प की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बस बाकी ये जो बचे हैं इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, और आखिरी इसमें से 2 जो हैं वो मेरे पास ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ऊपर नीचे वाला जो स्लाइस होते हैं उनमें बना दिया था। तो बहरहाल बाकी दूसरा बैच भी मैंने रेडी कर लिया है। अब सैंडविचेस के साथ खाने वाली सॉस बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने हॉट सॉस डाल दी है, और गार्लिक मायो डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें केचप ऐड कर दिया है, थोड़ा सा शहद, और इनको मिक्स कर देना है। ये सारी चीज़ें मैंने रफली ऐड कर ली थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, अफ्तारी का टाइम हो गया था अफ्तारी करने का। तो बस, और हमने अफ्तारी सैंडविचेस के साथ की थी, बहुत मज़े के बने थे,
और बाकी जो सैंडविचेस बचे थे उनको मैंने फ्रीज़ करके ज़िपलॉक बैग में रख दिए थे और वापस फ्रीज़र में रख दिए थे। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और हो चुका है जी नेक्स्ट डे। तो आज मेरी तैयारी हो रही है जी अफ्तारी नेबर्स में बांटने की। और सबसे पहले हक तो हमारे नेबर्स का होता है, जिन नेबर्स को मैं जानती हूँ, तो उनके यहाँ मैं आज अफ्तारी भिजवाऊँगी। तो सबसे पहले आज मैंने ये चिकन चढ़ा दिया है हलीम के लिए, तो मैंने सोचा आज दोपहर में ही मैं ये हलीम बना के रख देती हूँ ताकि शाम में मैं अफ्तारी की सारी तैयारी करूँ। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया था और चिकन ले लिया है चिकन तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और मसाला जो है शान का हलीम मसाला मैं यूज़ करूँगी, शान शाही हलीम वो यूज़ करूँगी। तो मैंने मसाला जो है वो आधे से ज़्यादा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, तकरीबन एक टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा के रख लिया है, वो हम लोग राई में यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हमें मसाले और चिकन को भून लेना है ऑयल में। और मैंने इसमें तकरीबन 4 ग्लास भर के मैंने पानी डाल देना है और फिर चिकन को गलने के लिए रख देना है। और ये जब पानी जब बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें दालें डाल देंगे। जो दालें जो है ना मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी, और बस ये मैं इसमें अभी डालने लगी हूँ। और ये दालों में मैंने थोड़ी और दालें मिक्स की हैं, यानी थोड़ी सी दाल माश, थोड़ी सी दाल मूंग दाल, थोड़ी सी मसूर दाल और थोड़ी सी चने की दाल। थोड़ी सी से मुराद ये है कि एक मुट्ठी मैंने जो है ना इसमें सारी दालें भी ऐड की हुई हैं, क्योंकि मसाला बहुत तेज़ होता है इनका, तो मैं हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हूँ। थोड़ी सी दालें ज़रूर ऐड कर देती हूँ, यानी एक एक मुट्ठी के बराबर मैं सारी दालें इसमें ऐड कर लेती हूँ और फिर 2 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ। अभी पानी बॉयल हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिए हैं दालें भी, और मीडियम फ्लेम पर इसको मैं जो है गलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर अभी पानी देखें ये ड्राई हो गया है, तो सारी मैंने चिकन निकाल देनी है। और ये जब चिकन थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 फॉर्क्स ले लिए थे और इनको मैं इनकी मदद से मैं जो है ये सारी चिकन जो है वो श्रेड कर दूँगी। और इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी दालें भी लगी हुई हैं, वो भी अलग करके वापस मैं पतीले में डाल दूँगी। तो ये सारी चिकन मैंने श्रेड करके और हड्डियाँ अलग कर दी थी। और यहाँ पे मैंने दालों में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, तकरीबन 1 गिलास मैंने डाल दिया था। और बस इनको जो है मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से सारा ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहें तो जूसर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो मुझे ये इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से भी करती हूँ, कभी जूसर में भी कर लेती हूँ। और जब भी अच्छे से दालें ब्लेंड हो जाएँ तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं ये श्रेडेड चिकन, ये डाल देनी है और थोड़ा सा और पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। तो आज जो है ना इल्हान ने भी रोज़ा नहीं रखा था और सफाना को तो मैं रखवा नहीं रही, और तो इस वजह से मैंने सोचा कि हलीम के साथ जो है ना दोपहर में चावल भी बना लूँगी ताकि बच्चे जो हैं लंच में हलीम चावल शौक से खा लेंगे और हम लोग जो है रात में अफ्तारी में खा लेंगे। और बाकी जो है अफ्तारी में मैं सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूँगी हलीम। और यहाँ पर अभी तैयारी हो रही है तड़के लगाने की, तो मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें 1.5 कप मैंने ऑयल डाल दिया था, और एक मीडियम से कम और स्मॉल से ज़्यादा इन दोनों के दरमियान वाला मैंने प्याज ले लिया था, उसको बारीक स्लाइस करके ब्राउन करने के लिए रख दिया है। साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं बच्चों के लिए। और बाकी जो है ये जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम लोग इसमें डाल देंगे शान का शाही हलीम का मसाला, 1 टेबल स्पून तकरीबन वो हम लोग डाल देंगे। तो प्याज होने लगी है ब्राउन, इसमें मैंने अभी शामिल कर दिया है शान शाही हलीम का मसाला, तकरीबन 1 टेबलस्पून था। और ये देखें इस तरीके से ब्राउन होना चाहिए तड़का जो है ब्राउन होना चाहिए इस तरीके का। और फिर अब मैंने ये हलीम में शामिल कर दिया है, तो बस अभी हम जो है ये डाल के और ढक के हल्की आँच पर रख देंगे हलीम को। अच्छा, हलीम में मैंने ना 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। हरी मिर्चें डालने से ना बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो फिर आप हरी मिर्चों को काट के डाल दें, अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो हरी मिर्चों को साबित ही डाल दें, तीखा नहीं होगा बट हरी मिर्च का टेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये देखें हलीम में कितना सारा ऑयल ऊपर से आ चुका है और लुक इतना अच्छा लग रहा है हलीम का। तो बस है हमारा हलीम जो है वो रेडी है, शाम में इंशाल्लाह हम लोग इसको बांटेंगे।
तो हलीम हमारा रेडी हो चुका है, उसको मैंने रख दिया है साइड में और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ बाकी अफ्तारी की। तो मैंने सबसे पहले बना देनी है जी दही फुल्की, और दही फुल्की के लिए मैंने दही ले लिया था और उसमें मैंने अंदाजन डाल दी थी चीनी, तो वो मैंने डाल दी है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। मेरा बीटर जो है वो ख़राब हो चुका है तो इस वजह से हाथ से ही मैंने बीट कर लिया था। और दही फुल्की के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है ताकि ये पानी बॉयल हो जाए, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी फुल्कियाँ। और साइड में मैंने चने भी निकाल दिए हैं माइक्रोवेव करने के लिए रख दिए हैं, और आलू भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी मैं ये डालने लगी हूँ फुल्कियाँ, जो पानी हमारा बॉयल हो चुका है और ये मैंने फुल्कियाँ भी डाल दी हैं। और साइड में अभी ये प्याज कट रही है और प्याज को मैं बिल्कुल बारीक सा काटूंगी, मींस कि स्लाइस वाला काटूंगी और फिर दो हिस्से कर दूंगी इसके, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो साइज़ में। और ये मैं काट रही हूँ जी चना चाट के लिए। तो बाउल में मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मैंने दो डाली हैं और हरा धनिया डाला है, और ये बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया है, और चने जो मैंने माइक्रोवेव किए थे और वो भी मैंने डाल दिए हैं। और ऊपर से डालने लगी हूँ भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और अब डाल दूँगी शान का चाट मसाला, जिसके बगैर तो चाट बन ही नहीं सकती। और बस ये डाल दूँगी अंदाजन, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और ये इमली का पेस्ट पूरा डाल दूँगी, और ये पूरा पूरा इसमें जो है ना चला गया था। और ऊपर से मैं इसको जो है इसके ऊपर जो है नींबू भी डाल दूँगी, और ये नींबू मैंने हाफ डाला है बड़ा वाला, अगर छोटा है तो एक बड़ा आप ले लें। तो चना चाट जो है ना काफ़ी तरीके से बनती है मेरे घर में, तो बहुत सारे तरीके से बनती है, कभी दही में, कभी नींबू में, कभी इमली में, कभी ये सारी चीज़ें मिक्स करके, और कभी जो है वो जो फ्राई करके बनती है, वो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो काफ़ी तरीके की बनती है चना चाट, तो बस आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो बस ये तकरीबन हमारी चना चाट जो है वो रेडी हो चुकी है, आलू भी बॉयल हो चुके हैं। तो अभी बनाने लगी हूँ मैं आलू के पकोड़े और प्याज के पकोड़ों का बैटर। तो मैंने दो किस्म के बैटर बनाने हैं, तो प्याज के पकोड़े में प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर और नमक और ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है सोडा डाल दिया था। और आलू के पकौड़ों के बैटर में मैंने नमक, मिर्च और सोडा डाल कि इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और प्याज के पकौड़ों में बहुत कम पानी डलता है और इस तरीके से थिक वाला बैटर बनता है। और ये देखें, ये मैंने आलू के पकौड़ों का बनाना है तो इसको भी मैंने थिक करके बनाना है। और अभी यहाँ पे देखें ये फुल्कियाँ जो हैं वो बॉयल हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, तो एक बाउल में मैं इसको डाल दूँगी, और जो मैंने दही का मिक्सचर बनाया था दही और शुगर का, तो वो मैं इसमें डाल के रख दूँगी। अभी चाट मसाला ऐड नहीं करूँगी, जब मैं सबके लिए जब बनाऊँगी तब उसके ऊपर ही मैंने इसके ऊपर ही यानी मैं डाल दूंगी चाट मसाला। तो ये हमारी दही फुल्की भी जो है वो रेडी हो गई हैं। अभी फ्रूट चाट की तैयारी हो रही है, और फ्रूट चाट भी बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी, और यहाँ पे मैंने समोसे तलना शुरू कर दिए हैं। कुछ मैंने बनाए थे चिकन के समोसे, और यहाँ पे जो है पहले चिकन के समोसे बन रहे हैं, और कुछ मैंने फ्राई किए थे जी वेजिटेबल समोसे, तो चिकन समोसे तो ये बन गए हैं। तो वेजिटेबल समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए थे, और बस अभी मैं जो हूँ डालने लगी हूँ यहाँ पे प्याज के पकोड़े तलने लगी हूँ, और ये मैंने काफ़ी सारे डाल दिए हैं, तो बस इनको भी मुझे यानी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और ये भी देखें हमारे बनके रेडी हो गए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो अभी मैं फ्राई करने लगी हूँ फ्राइड चिकन चीज़ सैंडविचेस, और बड़े मज़े के बनते हैं। इसकी रेसिपी जो है मैंने इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है शुरू में, तो बस आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। और देखें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में, तो बस अब आप लोग भी बनाइएगा। और अभी मैं जो हूँ आलू के पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ, तो बस आलू के पकोड़ों की एक ट्रिक होती है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि इनका जो बैटर होता है इसको अच्छे से ना बहुत ही अच्छे से इसको जो है ना बीट करना होता है, इतना बीट करना है ताकि इसके अंदर जो है ना एयर आ जाए। तो इस तरीके से ना आलू के पकोड़े जो होते हैं ना वो बहुत यानी फूले फूले से और क्रिस्पी से बनते हैं। आप देख सकते हैं आलू के पकौड़े कितने मोटे मोटे लग रहे हैं, हालाँकि इतना ज़्यादा मैंने इसमें बैटर नहीं लगाया था,
तो बस ये सारा फ्राइड आइटम मेरा भी रेडी हो चुका है और ये मैं भी ले जाऊंगी, डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी। तो ये फ्रूट चाट भी रख दिया है मैंने और ये पूरा फ्राइड आइटम और वो चना चाट, उसमें आलू भी डाल दिए हैं मैंने काट के बॉईल करके। और ये जो है दही पुलकी और हलीम जो है मैं किचन में ही डाल के लेके आ गई थी क्योंकि बहुत गर्म था। तो बस अभी मैं निकालने लगी हूँ, सबके लिए बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये दही पुलकी सबके लिए डाल देनी है, तो ये मैं सारी दही पुलकी जो है सबके लिए मैं डाल दूँगी। तो ये मैं अभी डालने लगी हूँ चाट मसाला और ये डाल दूँगी इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो है ना मुझे इमली की चटनी डालनी थी जो कि मैं भूल गई और जल्दी जल्दी में मेरे जहन से ही निकल गया। खट्टी मीठी की इमली की चटनी डालते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं दही पुलकी के अगर ऊपर डालते हैं तो चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो ये फ्रूट चाट भी मैंने सबके लिए निकाल दी है, तो फ्रूट चाट जो है वो मैंने सबके लिए निकाल दी थी और बस अभी मैं निकालने लगी हूँ ये चना चाट सबके लिए। और बस ये भी मैं सबके लिए निकाल दूँगी चना चाट। तो बस जल्दी जल्दी से ये सारा फ्राइड आइटम भी मैं सबके लिए निकाल दूँगी। और इस वक्त 6 बजे हैं और हमारा ये प्लान था कि 6 बजे तक जो है ना सबके यहाँ हम लोग पहुँचा दें, बट थोड़ा मैं लेट हो गई थी, चीज़ें निकालते निकालते थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस इसी उसमें तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से ये डालने लगी हूँ। और ऊपर से हस्बैंड मेरे बार बार कह रहे हैं कि टाइम हो गया, इफ्तारी का टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। तो बस ये है कि बस शुक्र है टाइम पे पहुंच गया सबके यहाँ इफ्तारी जो है वो अज़ान से पहले पहले हमने पहुंचा दी थी मेरे हस्बैंड और बच्चों ने, तो टाइम पे ही पहुँचा दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से सारे पैकेट जो हमने रेडी कर लिए थे और बस अभी जो है हम लोग इनको बंद करने लगे हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे तो उन्होंने भी जो है पैक कराने में हेल्प करा दी थी। तो बस इसी तरीके से हमने सारी जो है अफ्तारी रेडी कर ली थी, साथ में मेरे बच्चों ने भी मेरी हेल्प कराई और सफाना उस तरफ मेरी दूसरी तरफ खड़ी हुई है, वो भी पैक कराने में मेरी हेल्प कर रही थी। और बाकी जो है इल्हान ने भी काफ़ी मदद की और अमाना ने काफ़ी चीज़ें उठा के दी, रख के दी। अच्छा मुझे ना शॉपर्स भी लेने थे, तो शॉपर्स मैं लेना भूल गई थी, तो मेरे जहन से भी निकल गया था, तो मैंने शॉपर्स नहीं ली जो घर में पड़ी हुई थी शॉपर्स। तो फिर उसी में हमने डाल के सबको दे दिया था और हस्बैंड भी बिल्कुल लास्ट उसमें आए थे। तो बस जैसे ही हस्बैंड आए थे तो हम मेरे साथ लग गए थे पैक कराने में और बाकी इन्हीं शॉपर्स में हमने डाल के सबको भेजा था। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग जो है बाहर से शॉपर्स जो होते हैं ना जो फैंसी किस्म के होते हैं तो उस तरीके से हमें लेने थे, तो बस वो हमारे जहन से पता नहीं किस तरीके से निकल गया और फिर हमने लिए ही नहीं। और तो बस जो पड़ी हुई थी शॉपर्स उसी में हमने जो है डाल के और सबको भेज दिया था। तो आज का दिन मेरा इस तरीके से कुछ गुजरा है, सारा दिन बिज़ी रहे और कामों में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से दिल से मैंने ये सारी इफ्तारी बनाई थी सबके लिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरीके के सबके यहाँ भेजना, तो इफ्तारी घर में प्लान करना, तो बस ये है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।